जी जनाब, वापस आए हैं हम हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से में, और इसमें आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे अपकमिंग एथलीट से। माशाल्लाह, ही इज़ अ प्रोफेशनल रेसलर और हाल ही में होने वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इसके अंदर सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। लेकिन एक मायनाज कारकर्दगी का ज़बरदस्त इनका सफ़र रहा है, उसके बारे में आपको बताती हूँ जी। 2016 में इन्होंने सैफ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया, 2019 में सैफ गेम्स का सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा 2021 में हम देखते हैं कि वर्ल्ड बीच रेसलिंग जो कि ग्रीस, रोमानिया और इटली यानी तीन ममालिक की शराकत से हुई थी, वहाँ पे भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं एंड ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पाकिस्तानीज। हमारे साथ मौजूद हैं ज़मान अनवर। अस्सलाम वालेकुम ज़मान। ज़मान, हमारी दुआ है कि कामयाबियों का ये सफ़र आपका इसी तरह जारी और सारी रहे। लेकिन हाल ही में माशाल्लाह कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने देखा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, और इस दफ़ा के कॉमनवेल्थ गेम्स बड़े इंपॉर्टेंट थे क्योंकि हम देखते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ यानी हर मैजेस्टी का लॉन्गेस्ट ये उनका एज अ मोनार्क उनका सबसे लंबा ये रेन रहा है, उसका भी एक रिकॉर्ड कायम किया है। तो यकीनन उस हवाले से भी ये कॉमनवेल्थ गेम्स बड़े अहमियत के हामिल थे। कैसा लगा आपको इसमें पार्टिसिपेट करके, और कुछ हमें वहाँ की रुदात बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा ज़्यादा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल से नवाजा है। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन का एक्सपीरियंस आप मेडल से ही कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हम चले गए थे एक वीक पहले, वहाँ ट्रेनिंग की है, फिर वहाँ के माहौल में थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सिल्वर मेडल से नवाजा है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। ज़मान, वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरह आपने इजहार तशक्कुर किया है, मैं आपके तमाम इंटरव्यूज देख रही थी, जितनी वायरल क्लिप्स हुई हैं, यानी ज़बान से ये शुक्र का कलमा आपके जारी और सारी है। लेकिन साथ में कहीं ना कहीं हम ये बात भी करते हैं कि आपके मद्दे मुकाबिल जो हरीफ थे, जो आपका कॉम्पिटिशन था, अगर तैयारी के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से देखा जाए, तो क्या आप समझते हैं कि उनके पास ज़्यादा सहूलियात थी? जी, ये तो 100% है ना कि उनके पास सहूलियात तो बहुत ज़्यादा है। उधर ना 4-5 टीमें ऐसी थी जिनके पास हमसे बहुत ज़्यादा सहूलियात थी जी। एक नाइजीरिया थी, कनेडा, इंडिया को तो है ही, फिर उसके अलावा इंग्लैंड 2 साल से ट्रेनिंग करी थी, बाहर से उन्होंने कोच मंगवाए हुए थे, फिर उसके बाद अपना मॉरिशस थे, तकरीबन 4-5-7 टीमें इस तरह की थी जो हमसे हमारी टक्कर की थी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, इसी माहौल में रहकर जो पाकिस्तान में अवेलेबल फैसिलिटी थी उसको उसके मुताबिक ट्रेनिंग कर तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सिल्वर मेडल दिया है। और यही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इंटरनेशनल ट्रेनिंग होती, इंटरनेशनल टूर से ट्रेनिंग होती, इंटरनेशनल पार्टनर के साथ ट्रेनिंग होती, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 4 या 5 गोल्ड और आने थे। बिल्कुल, मुझे ये बताएं ज़मान, हमारी ये कोशिश है कि जब हम आपको यहाँ पे लेके आए, आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हमारे खिलाड़ियों को दरपेश जो मसाइल हैं उनका भी मदावा हो, उनको भी उजागर किया जाए। ख़ास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद हम देखते हैं कि खेलों का शोबा सूबाई शोबा बन गया है, और आपकी ये इतला आने के बाद, ये खुशखबरी हमें मिलने के बाद कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने सिल्वर मेडल जीता है, साथ ही फेडरेशन से रिलेटेड कुछ मसाइल भी सामने आने लगे कि फेडरेशन है नहीं है, ये एक अजीब अभाम है। पहले हमने देखा कि फ़ुटबॉल पाकिस्तान की इसी वजह से अफेक्ट हुई, इस वक्त क्या सूरत हाल है, और हमारी जो फेडरेशन है रेसलिंग को लेकर वहाँ पर क्या सिचुएशन है इस वक्त? नहीं, हमारी रेसलिंग फेडरेशन है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। हमें कुछ चीज़ों का मसले थे, रेसलिंग फेडरेशन ने अपनी अब वसाइल को बुरे कार्ड लाते हुए किए। हमें ट्रेनिंग का मसला ये था कि हम जहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ 44 बाहर होता था और 48 अंदर होता था हाल के अंदर जी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो उन्होंने लास्ट 20 डेज के लिए पंजाब कॉलेज में हमारा अरेंज करवा दिया, वहाँ AC लगे थे। तो जो भी सहूलियत पाकिस्तान में मौजूद थी फिर कुछ हम खुद कर लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल करते हैं, मेरे बहन भाई, तो उन्होंने हमें RD कुछ ना कुछ ये अपनी तरफ से कर लिया, यानी कि जिम था की फैसिलिटी थी, हम जिम यूज़ करने बाहर चले जाते थे, इस तरह ही अपने आप में डाइट भी खुद कर लेते थे, जिस चीज़ की कमी होती थी वो हम अपने आप से अरेंज कर लेते। बिल्कुल सही। मुझे बताएं ज़मान, आगे क्या ख्वाब हैं, और अब आगे सफ़र, अगला कौन सी चैम्पियनशिप है जिस पे आपने निगाहें गाड़ी हुई हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको उसमें भी कामयाबी से हमकिनार करे, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त आप?
तैयारी तो एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई राउंड है, ओलंपिक है, साउथ एशियन गेम्स पाकिस्तान में हो रही है, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। हम ट्राई कर रहे हैं कि हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग कहीं से मिल जाए। सही। तो मेरी बात चल रही है अमेरिका में एक क्लब से, अगर तो वो बात फाइनल होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले ट्रेनिंग करने जाऊंगा एक दो माह, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो भी कंपटीशन आएगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और बेशक इंशाल्लाह ताला अलमिया और वसाइल आपके लिए पैदा करें। इस वक्त मुझे बताएं कि यकीनन पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है, हो सकता है इसमें कई कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स भी हों, हुकूमत के आला हुकाम भी हों, इदारे भी हों, आपकी ये जो ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग आप पहले करें फिर उसके बाद क्वालिफाइंग राउंड में जाएँ, तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आगे भी हमारी सिर्फ और सिर्फ कमी यह है, ट्रेनिंग हमारी पूरी थी, फिटनेस हमारी पूरी थी, कमी ये रह गई थी कि हमें इंटरनेशनल पार्टनर की जरूरत थी, वो हमें नहीं मिल सके। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग होती तो इंटरनेशनल पार्टनर भी मिलने थे, यानी कि ओलंपिक स्टाइल के, ओलंपिक लेवल के, वर्ल्ड लेवल के पार्टनर मिलते तो हम उनसे साथ ट्रेनिंग करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिल्वर तो गोल्ड में बदल सकते। तो इंशाल्लाह ताला आप जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये चांदी सोने में बदल जाए, ये वाला फार्मूला हमें चाहिए और उसके लिए हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे तवस्सुत से ये आवाज़ आगे तक पहुंचे और एंड इसके ऊपर आपके लिए और रास्ते मज़ीद बने। थैंक यू सो मच जमान फॉर बीइंग हियर विद अस। आप फ़ख्रे पाकिस्तान हैं और यकीनन आप लोगों की जो जस्तजू है, जो मेहनत है, वो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आने वाले कई खिलाड़ियों के लिए, कई जनरेशन ऑफ खिलाड़ियों के लिए मशाल राह बनती है और उनको हौसला देती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और कामयाबियों से हमकनार करे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वी विल बी राइट बैक।